स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हम देखने वाले हैं एक बेहद स्पेशल बटरफ्लाई को। बहुत ज़्यादा खास बटरफ्लाई है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन रीजन में पाया जाने वाला दूसरा सबसे छोटा बटरफ्लाई है। जी हाँ, सेकेंड स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई जो इंडियन रीजन में पाया जाता है। तो इतना छोटा है कि अगर ये ग्रास की ब्लेड पर भी बैठे तो आपको ग्रास की ब्लेड बड़ी लगेगी। तो इसी से आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 सेंटीमीटर से भी छोटी साइज़ है इनकी। अगर मैं एक्यूरेटली बोलूँ तो 16 से 24 मिलीमीटर की इनकी हाइट होती है, साइज़ होती है, लेंथ होती है। तो ऐसे छोटे से बटरफ्लाई को कई बार हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इनका हैबिटेट भी अगर आप देखो तो बहुत आपको भी लो जाकर इनको कैप्चर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। इसीलिए मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इनको रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मोबाइल स्मार्टफोन से इतने छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस करना, और जब अगर इनके पास जाते तो उड़ जाता है। तो इसी में जितना रिकॉर्ड हो सका मैंने किया, और आपको दिखाना चाहूँगा इनका हैबिटेट किस तरीके का होता है, कैसे ये एकेंथेसी फैमिली के प्लांट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन पर रहते हैं। और एक ख़ास बात इन बटरफ्लाइज की ये है कि ये बहुत लो उड़ते हैं, बहुत नीचा उड़ते हैं, ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर ये बटरफ्लाइज उड़ते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको ये देखने मिल जाएंगे। साथ ही में ये बटरफ्लाई की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है जीजूला हाइलैक्स। इसके कई सारे कॉमन नाम हैं, जैसे सबसे मेन तो इसको इंडियन टाइनी ग्रास ब्लू के नाम से जानते हैं। दूसरे नाम्स जैसे कि इसके दूसरे नाम्स भी है, जैसे इसको लिटिल ग्रास या फिर डेंटी ग्रास ब्लू के नाम से भी जानते हैं। और फैमिली ये लिकेनिडे फैमिली के अंदर आता है। मैं आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे दूँगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको लिटरली ग्राउंड पर क्रॉल करना पड़ेगा इनको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक जगह पर बैठते नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बटरफ्लाइज है। इनकी पहचान हम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आप देखो बैठने के बाद इमीडिएटली, यानी कि बैठने के बाद ये कुछ रिदमिक मूवमेंट्स करते हैं अपने विंग से। इनके चारों विंग, फोर विंग, हिंड विंग को मिलाकर के ये एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है इस बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई दूसरा बटरफ्लाई इस फैमिली में तो ऐसा मूवमेंट नहीं करता जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। और एक पहचान करने का तरीका है कि अगर इनके बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं इनके पंख पर, तो फोर विंग में बहुत सारे स्पॉट्स में एक आपको अर्धचंद्र के आकार का भी स्पॉट मिलेगा, दिखेगा, जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो दूसरे ग्रास ब्लू बटरफ्लाइज हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट इस मार्क से कर सकते हैं। देखिए ये जो अर्धचंद्र बना हुआ है, इससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ग्रास ब्लू से। और एक बात, मेल फीमेल में डिफरेंस पता करने के लिए, मेल जब ओपन विंग होगा तो उसके ऊपर ब्लू रंग दिखाई देगा, और फीमेल के ऊपर ऐसा कोई ब्लू रंग दिखाई नहीं देता, वो डार्क ब्राउन कलर का पंख होता है ऊपर की ओर। तो ये मोस्ट लाइकली जो हमारा हमको दिख रहा है बटरफ्लाई स्पेसिमेन, ये एक फीमेल है, बहुत ही बिजी फीमेल है। ये अगर इनके फूड प्लांट्स की बात करें, ऐसे पौधे जिन पर ये फीड करते हैं, तो ये एकेंथेसी फैमिली के पौधों पर, और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हाइग्रोफाइला ऑरिकुलाता, फोलोप्सिस डॉर्सीफ्लोरा, ऐसे कुछ स्पीसीज के प्लांट्स पर फीड करते हैं। जितने भी दूसरे प्लांट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अपने गार्डन में अगर आपके पास जगह है तो इन प्लांट्स को लगा करके इन बटरफ्लाइज को आप अपने गार्डन में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बटरफ्लाइज का होना, और इनकी इम्पॉर्टेंस तो हम जानते ही है। ख़ास तौर पर ऐसे जो छोटे यूनिक बटरफ्लाइज हैं, यही हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं गार्डन की। तो इनको भी आप अट्रैक्ट कीजिए प्लांट्स लगा करके जिन पर ये फीड करते हैं।
आप दोबारा इस वीडियो को देखिए शुरू से, और इस बार थोड़ा स्पीड को कम करके भी आप देख सकते हैं, तो आपको ये बटरफ्लाई और ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखेगा।